नमस्कार, बॉलीवुड ट्रेंड्स पर आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ने न केवल तेलुगु बल्कि हिंदी सिनेमा जगत में भी काम किया है। यहां तक कि जेनेलिया को तेलुगु की रोमांटिक फिल्म बोमा रेल्लू के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिल चुका है। साल 2003 में जेनेलिया ने तुझे मेरी कसम फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जेनेलिया ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी। जेनेलिया को पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। यहाँ तक कि जेनेलिया नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर भी है। जेनेलिया पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ एक विज्ञापन में नजर आई थी। उस वक्त जेनेलिया महज 15 साल की थी। यह विज्ञापन पार्कर पेन का था। तुझे मेरी कसम जेनेलिया की पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें उनके साथ रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में थे। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों को प्यार हो गया और उस वक्त जेनेलिया महज 21 साल की थी। इस फिल्म के बाद ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। करीब 9 साल डेट करने के बाद जेनेलिया और रितेश देशमुख ने साल 2012 में शादी कर ली। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को शेयर करें। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।